नमस्कार, आज हम आपको बैंकॉक के बारे में कुछ रोचक और आकर्षकजनक बातें व तथ्य बताएंगे और जानेंगे कि आखिरकार बैंकॉक में ऐसी कौन सी रोचक बातें हैं जिसके कारण पर्यटक बैंकॉक की ओर आकर्षित होते हैं। बैंकॉक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड की राजधानी है। इसकी स्थापना 15वीं सदी में हुई थी, यानी यह बहुत पुराना शहर है और इसकी संस्कृति भी उतनी ही पुरानी है। बैंकॉक का पूरा नाम पाली और संस्कृत भाषाओं में से उत्पन्न हुआ है और यह नाम इतना बड़ा है कि यदि इसे हिंदी में बोला जाए तो यह नाम कुछ इस प्रकार से होगा: कुंग महानगर, अमर रत्न कोसेंद्र, महेंद्र युद्धाय, महातिलक भव, नवरत्न राजधानी पुरीरम, उत्तम राजनिवासन, महास्थान, अमर विमान, अवतार स्थिय, संकादिय, विष्णु कर्म प्रसिद्धि। जी हाँ, यह इतना बड़ा नाम बैंकॉक का है, इसलिए यदि आप इतना बड़ा नाम ना ले पाए तो सिंपल भाषा में आप इसे बैंकॉक भी बोल सकते हैं। यह शहर 1500 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैला हुआ है। ऊंची इमारतों के मामले में बैंकॉक दुनिया के पांचवें पायदान पर आता है। इस शहर में हर साल 1.1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग केवल घूमने के लिए आते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंकॉक की प्रसिद्धि और उसका पर्यटन लोगों के बीच कितना ज़्यादा फेमस है। बैंकॉक में तकरीबन 600 इमारतें गगनचुंबीय हैं। बैंकॉक की रोचक बात यह भी है कि यदि आपकी छाती पर कपड़ा नहीं है तो आप कार नहीं चला सकते। जी हाँ, यदि बिना छाती पर कपड़ा रखे आप कार चलाते हैं तो यहाँ उसे गैरकानूनी माना जाता है। तो अगली बार अगर आप बैंकॉक जाएं तो अपनी छाती पर कपड़ा रखकर ही कार चलाएं। यहाँ थाई मुद्रा पर पैर रखना भी जुर्म माना जाता है। थाईलैंड के 95% करोड़पति लोग बैंकॉक में ही रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी स्वर्ण बुद्ध की मूर्ति भी बैंकॉक में ही स्थापित है, जो करीब 10 फीट ऊंची है। बैंकॉक दुनिया का सबसे गर्म शहर है। यहाँ अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इस शहर की खास बात यह भी है कि यहाँ किन्नरों के लिए अलग से शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है। यह बात शायद ही किसी और देश या शहर में हो कि जहाँ किन्नरों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध होते हों, लेकिन बैंकॉक में यह सुविधा है। इस शहर में बिना अंडरवेयर पहने घर से बाहर निकलना गैरकानूनी है। जी हाँ, आप घर से बाहर बिना अंडरवेयर के नहीं जा सकते। यहाँ माथे को शरीर का सबसे पवित्र स्थान माना या अंग माना जाता है। बैंकॉक में 90% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। रामाकिन यहाँ का महाग्रंथ है, जो कि रामायण का थाई वर्जन है। यहाँ ऐसी अनेक चीजें व स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनमें सबसे फेमस है मरीन पार्क और सफारी। मरीन पार्क में प्रशिक्षित डॉल्फिन्स अपने करतब दिखाती नजर आती हैं और इन डॉल्फिन्स के करतब और कार्यक्रमों के सा को बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब पसंद आते हैं और बच्चे और बड़े उसका आनंद उठाते हैं। सफारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। यहाँ एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी प्रकार के वन्य जीव देखे जा सकते हैं। बैंकॉक की यात्रा थकावट भरी तो है, लेकिन यहाँ काफी दिलचस्प और रोमांचक नज़ारे भी देखने को मिलते हैं, जो आपकी थकान को कहीं ना कहीं खो देते हैं। बैंकॉक नृत्य संगीत के लिए भी काफी फेमस है। बैंकॉक के किनारों में, समुद्र के किनारों में, आपको हर शाम संगीत से भरे और नृत्य से भरे कुछ कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं और आप इन नृत्य संगीत में अपनी थकान को भूल सकते हैं।
बैंकॉक में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, चाहे वो बैंकॉक के लोग हों, बैंकॉक की संस्कृति हो या फिर बैंकॉक के अजीबोगरीब कानून हों। लेकिन ये तमाम चीज़ें बैंकॉक को कहीं ना कहीं अलग अन्य देशों से अलग और महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो जो लोग भी बैंकॉक जा सकते हैं या जिन्हें भी बैंकॉक जाना है, वे एक बार बैंकॉक ज़रूर जाएं और बैंकॉक के खूबसूरत नज़ारों को अपने आँखों में समेटें और साथ में वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा उठाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।